हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लाइव चोरी के बारे में जिसके फुटेज जो है, एक राहुल करके बंदे हैं जिनकी ये बाइक है, उनके साथ ये हादसा हुआ है। एंड दोस्तों, ये डिटेलिंग थोड़ा देखना इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज़ कई बार ना हम केयरलेस हो जाते हैं और ऐसे जो हादसे हैं ना हमारे साथ हो जाते हैं। और चोरी अगर आप लोगों के साथ ना हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी डिटेलिंग्स में कवर करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बंदा जो है, एक बंदा आया पीछे से, जो बुलेट है रॉयल एनफील्ड क्लासिक है उसको लेके चले गया। एंड अभी दूसरे एंगल से जो फुटेज है वो देख के आइडिया होगा। जैसे आप देख रहे हैं, एकदम आगे ऊपर कॉर्नर की तरफ में यहाँ पर आपको एक वाइट कलर की कार दिखाई दे रही होगी, जो कि i20 है। एंड उसमें से जो चोर हैं वो निकले थे। एंड ये देखिए, बुलेट को चालू कर दिया है। जो आपने हेडलाइट देखा वो बुलेट की हेडलाइट थी, तो उसको कुछ नहीं किया, नीचे से वायर निकाल दिया। और वायर निकाल के ज्वाइन कर देते हैं तो बुलेट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हैंडल लॉक जो है वो नहीं लगाया गया था, तो घर के बाहर ही थी, दुकान के बाहर थी, जैसा कि जिनकी बाइक है राहुल जी उनने बताया। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बाइक जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, कार पीछे है, बाइक और कार जो है इसी रोड से जो है वो निकलेगा। ये कैमरा एंगल जो है यहाँ से, ये तो अच्छा हुआ कि कैमराज जो है लगे हुए थे, तो ये फुटेज डिटेल मिल रही है। बाद में आखिरी में मैं आपको दिखाता हूँ कितना ईजी होता है लॉक तोड़ना, तो सेफ्टी जो होती है कैसे इंक्रीज करनी चाहिए अपनी बाइक की, वो भी कुछ बात करेंगे। तो देखेंगे, अभी जो बुलेट है वो स्टार्ट हो गई है, वो लेके निकल वहाँ से निकल जाएंगे। मुश्किल से मैं कह रहा हूँ 2 मिनट का ये वाक्या है, 2 मिनट के अंदर जो है बुलेट जो है चोरी हो गई है। ऑब्वियसली कुछ दिखाई नहीं देगा बिकॉज नाइट होता है, नाइट में इतने ज़्यादा क्लियर दिखती नहीं है। अगर आपके हाई डेफिनेशन कैमरा नहीं होते तो डिटेल जो है वो कैप्चर नहीं कर पाते, और मूविंग जो बाइक्स और कार्स होते हैं ना उसके डिटेल्स नहीं मिलते। जैसे आपने देखा, अभी आप देखिए कि कितना इजी होता है लॉक तोड़ना। ये एक चोर थे, इनकी वीडियो भी वायरल हुई थी, ये अभी दिखाएंगे कैसे जो है लॉक इजीली टूट जाता है। एंड दोस्तों, ऑब्वियस ही बात है, छोटे छोटे ना नीचे लॉक के पास ना छोटे छोटे पॉइंट दिए होते हैं, मेटल पॉइंट दिए, जिसमें कि ये लॉक जो है ना वो अटकते हैं। अभी उसको तोड़ना, अगर आप दो बंदे आराम से रहे ना, या एक सिंगल बंदा भी एक पाँव का दम लगाए, एक हाथ का दम लगाए, तो इसलिए इसको लॉक को तोड़ सकता है। मैंने पहले भी बाइक चोरी पर वीडियो बना रखी है। एंड दोस्तों, ये वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि आप लोग जो है ना थोड़ा सा इस पर चौकन्ना होइए, बिकॉज़ पलक झपकती नहीं है और चोरियाँ जो है वो हो जाती हैं। एंड देखा आपने, ईजिली जो है टूट गया है। अब वो जस्ट इग्निशन की का वायर खींचेगा एंड दोनों को ज्वाइन कर देगा, दोनों को ज्वाइन कर देगा, दैट्स इट, खत्म हो गया। अभी वो दिखा रहे हैं ये कि क्या उनने तोड़ा है, ठीक है। वो पर अब वो टूट चुका है, लॉक जो है टोटली टूट चुका है। तो एक बार हैंडल लॉक टूट गया तो बाइक को डायरेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लासिक जैसे बेसिक फीचर वाली बाइक जो है उनमें तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज हाथ जो है आराम से जो है इग्निशन की के नीचे तक पहुंच जाता है। वो पूरा डिटेल बता रहे हैं कि उसको काटो एंड स्टार्ट हो जाएगा, यानी प्रॉपर स्टार्ट करके भी दिखाएगा बाइक को। तो ये वीडियो से एक चीज़ तो जानने को मिलती है कि दोस्तों, आप लोगों को बाइक को मल्टीपल सेफ्टी रखना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ थोड़े से भी चोरी केसेस हैं एंड आपको डाउट होता है, अगर आपकी पार्किंग अंदर खड़ी नहीं होती प्रॉपरली, तो थोड़ा सेफ्टी को रखना। ये देखिए, स्टार्ट हो गया है और उन्हें दिखा भी दिया स्टार्ट करके। तो अभी जल्दी से हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं मार्केट में, जिससे कि आप अपनी जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसको आप सेफ रख सकते हैं और बचा सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो होगा डिस्क लॉक। दोस्तों, डिस्क लॉक आप बिंदास यूज कर सकते हैं, बट इसमें एल्यूमिनियम का आता है, वो मत यूज़ करिए, आप यूज़ करिए स्टेनलेस स्टील का। दोस्तों, स्टेनलेस का मैं आपको ऑप्शन दिखाऊँ, देखिए आप, ये ऐसा स्टेनलेस स्टील का भी आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में आ जाता है। एंड दोस्तों, आप इजीली उसको कैरी भी कर सकते हैं, अपने घर पे ही नहीं कहीं पे भी बैग में आराम से आपने कैरी कर दिया, फिर एक प्लेस भी आता है इसमें आप लगा सकते हैं, जहाँ पर डिस्क लॉक को, एंड आप उसको कैरी भी कर सकते हैं, कहीं भी फिट कर सकते हैं। कि आप पब्लिक प्लेस में अगर गए हुए हैं, या फिर कहीं स्कूल कॉलेजेस में गए हुए हैं, या फिर अपने घर के बाहर खड़े किए हुए, तो डिस्क लॉक एक अच्छा ऑप्शन है। एंड इसके अंदर ही एक और ऑप्शन आता है, वो है अलार्म का। अलार्म का डिस्क लॉक भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं आराम। ये जो अलार्म वाले होते हैं वो हज़ार हज़ार के आसपास आते हैं, और जो सिंपल वाले आते हैं वो 200-250-300 के आसपास में आपको मिल जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के। तो वो भी आपको अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, जिससे कि लॉक जो हो ना थोड़ा सा एक अच्छा काम कर। जो जो 2 लाख 2.5 लाख की आप गाड़ी लेते हो, 1.5 लाख की गाड़ी लेते हो, तो दोस्तों थोड़ा उसमें पैसे भी हल्का सेफ्टी भी डालना चाहिए। एंड उसके बाद आता है अलार्म बजर सिस्टम। दोस्तों, ये जो सिस्टम है, आप
बहुत सारे गाड़ियों में देखेंगे, बहुत सारे लोग रिकमेंड भी करते हैं, बट मैं रिकमेंड उतना नहीं करता बिकॉज इसमें क्या रहता है कि आपकी बैटरी जल्दी ज़्यादा जगह खाती है दोस्तों, चोरी नहीं दूसरे लोग भी कई बार गाड़ी हिला देते हैं, बैठ जाते हैं, तो बजर जो है बजना लग जाता है, तो मेरा इतना रिकमेंडेशन नहीं रहेगा बजर के ऊपर। बट हाँ, व्हील लॉक को लेके, फ्रंट व्हील आप लॉक जो है वो बिंदास यूज़ करते हैं, फ्रंट व्हील लॉक के लिए टोटली रिकमेंड करूँगा, ये कई हद तक सेफ्टी है, बहुत लोग इसको यूज़ भी करते हैं, एंड ये जो रहता है आगे वाला व्हील लॉक भी कर देता है, एंड ये लॉक वैसे तोड़ना ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं है, बट ये काम थोड़ा इजी नहीं रखता है, मतलब थोड़ा सा चोरों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ये लॉक करना। उसके बाद जो नेक्स्ट लॉक आने वाला है वो फ्रंट जो ब्रेक लीवर होता है ना उसको भी लॉक आते हैं, एंड वो लॉक भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड ये भी कई हद तक अच्छे लॉक होते हैं, एंड मार्केट में इनका रिव्यू भी बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज क्या होता है आगे वाला जो व्हील होता है वो टोटली लॉक हो जाता है, एंड दोस्तों चोर जो है वो हिला भी नहीं पाता। ये आप अपनी स्कूटी बाइक किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं, एंड ये लॉक बिंदास आप यूज़ करते हैं। वैसे तो ये प्लास्टिक का होता है, बट दोस्तों हैवी ड्यूटी होता है दोस्तों, ईजिली हथौड़े की चोट से इतनी जल्दी नहीं टूटेगा ये बात रहती है, एंड सेफ्टी भी बोलूँ तो मुझे बाकी सभी चीज़ों से ना ये ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज ये क्या रहता है ये भी कॉम्पैक्ट है, छोटा है, आप इजीली कैरी कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो आता है वो है वायर्स दोस्तों, वायर्स आती हैं, चेन्स आती हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के ले सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो भी आप लॉक ले सकते हैं, ताकि आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसको किसी भी चीज़ से अपने बांध दिया, पोल हो गया या फिर अपने घर में कोई गेट हो गया, दरवाज़ा हो गया, जिससे भी आप चाहें आप उससे इसको बांध सकते हैं, नहीं तो व्हील को, दोनों व्हील को आगे पीछे से बांध दिया, तो दोस्तों ये चीज़ों भी आप कर सकते हैं। दूसरा एक छोटे लॉक्स भी आते हैं जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, हैवी ड्यूटी होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं लॉक्स, जिसमें न्यूमेरिक लॉक्स होते हैं, तो वो भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, उससे आप डिस्क लॉक कर सकते हैं, उससे आप चेन लॉक कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड इसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है ना दोस्तों, वो आता है एक ताला। दोस्तों एक ताला लीजिए हैवी ड्यूटी का, जैसे गोदरेज के जो ताले देख रहे हैं, तोड़ना छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है, तो ऐसे ताले भी बहुत हद तक सेफ रखते हैं, आपने चेन में डिफरेंट इसमें थोड़ा सा मेटल पार्ट लगा के अच्छे चेन में लगा के कर दिया, तो कोई भी हल्का फुल्का चोर तो चोरी कर ही नहीं सकता है, तो ये बेस्ट हो जाता है लॉक। दोस्तों जितने भी सेफ्टी प्रोडक्ट दिखाया है वो आराम से आपको 200 टू 1000 के बीच में अवेलेबल हो जाएंगे, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। एंड दोस्तों 1000 रुपीज़ स्पेंड करना अपनी बाइक की सेफ्टी के लिए कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगता मुझे भी, एंड दोस्तों चोरी जब होनी होती है ना तो हो जाती है, तो वो भी कई हद तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ कई हद तक हम उसको डिले जरूर कर सकते हैं, उनके लिए चोरों के लिए ईजी जो होता है ना वो ना बनाएं, थोड़ा सेफ्टी प्रोडक्ट यूज़ करें। एंड दोस्तों इंश्योरेंस भी अपनी बाइक का, स्कूटी का, स्कूटर का, कार का रखिए जरूर, इससे ट्रिपल प्रोटेक्शन होता है दोस्तों, आपका, आपकी गाड़ी का, और अगर एक्सीडेंट हो गया तो सामने वाले का, तो तीनों का प्रोटेक्शन रहता है। एंड कई हद तक जो लॉस होता है ना फाइनेंशियल लॉस, उसको हम कवर कर सकते हैं दोस्तों, फिजिकल और मेंटल लॉस तो नहीं कर सकते, बट कई हद तक हम फाइनेंशियल लॉस को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड दोस्तों अपना सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान दीजिए, एंड गाड़ी जो है ट्राई करिए कि अगर महंगी गाड़ी है तो घर के अंदर ही पार्क हो, बाहर पार्क ना हो, क्योंकि बहुत लोग जो हैं बहुत सारी नज़र गाड़ी रखते हैं, शॉर्टकट का बहुत ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं। दोस्तों ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए ब्लॉग, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। बाय।